हाय, दिस इज औरंगजेब खान। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आप सब लोगों के लिए गाइडेंस है। वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए जाते हैं और उनको डॉक्यूमेंट्स टेस्टेशन करवानी पड़ती है और किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, किन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है और आपको आप कैसे आप कंप्लीट प्रोसीजर से गो थ्रू होते हैं। दो प्रोसीजर्स हैं, तरीकाकार हैं जब आपको बाहर से कोई जॉब ऑफर होती है। एक तरीकाकार है कि आपको आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड की बेस पे और आपकी एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट्स की बेस पे जॉब ऑफर होती है। उसमें आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाना होता है। सेकंड तरीकाकार में आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके जो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई करवाना होता है और उनकी बेस पे आपको बाहर अब्रॉड से कोई भी जॉब ऑफर होती है और आप उन्हीं को ही फिर वेरीफाई करवाते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको अपने जो आपको जो जिस बेसिस के ऊपर आप बाहर अब्रॉड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जॉब ऑफर होती है, वो एजुकेशनल बेसिस जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बेसिस पे जो भी प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट करवाने होते हैं मैं आज उनके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होता है जो जब भी आपको जॉब ऑफर होती है क्या है कि आपको जो वीज़ा है वहाँ से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बेसिस पे इशू होगा या आपको आपकी एक्सपीरियंस लेटर्स की बेसिस पे इशू होगा। तो जो आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बेसिस पे जो आपको वीज़ा ऑफर होता है उसकी डिटेल है। सबसे पहले आपको अपनी जो डिग्री है जो उसको हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाई करवाना होता है। हायर एजुकेशन कमीशन जो आजकल जो प्रोसीजर है कोविड की वजह से इन पर्सन आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं करता, बल्कि आपको किसी भी कोरियर सर्विस लेपर्ड या TCS के ज़रिए अपनी डिग्री को जो HEC हायर एजुकेशन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे भेजना पड़ता है और वहाँ से आपकी डिग्री वेरीफाई होकर वापसी आपको आपके एड्रेस पे मिल जाती है। डिपेंड अपॉन आप अपने एड्रेस पर जा रहे हैं या वापसी उसी कोरियर सर्विस के ऑफिस जहाँ से आपने TCS किया है या वहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको HEC का के वेबसाइट पर अपने ईमेल के थ्रू आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपना अकाउंट बनाते हैं और आपको एक ईमेल आती है वेरिफिकेशन की और फिर आप उस अकाउंट अपने पोर्टल के ऊपर जो आपने HEC के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया होता है वहाँ पे आप अपनी जो रेलिवेंट डिग्री है उसकी स्कैन कॉपीज और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप अपलोड करते हैं जिस डिग्री को भी आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर आप अपलोड के बाद आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आती है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू HEC के ऑफिस भेजिए। तो फिर आप अपने जो डिग्री है उसको कोरियर सर्विस के थ्रू HEC के ऑफिस भेजते हैं। कोरियर सर्विस खुद ही ये सब डील करती है, आपसे एक मिनिमल अमाउंट ऑफ फ़ी लेती है अराउंड 2000 डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन और आपको वापसी आपके घर पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने की। इसमें आपके तकरीबन 10 से 15 दिन में आपकी डिग्री वेरीफाई होकर आपको आपके एड्रेस पर मिल जाती है। इसके बाद आपका जो स्टेप है वो आपको अपनी डिग्री को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है जिसको MOFAC कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना होता है। डायरेक्टली आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डिग्री वेरीफाई नहीं करवा सकते, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफिकेशन से पहले आपको अपनी डिग्री को HEC से वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। सो MOFAC आपकी डिग्री को उसी वक्त
वेरीफाई करेगा, स्टैम्प करेगा, और जब आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड होगी। सो सेम मोफास का भी प्रोसीजर यही है कि आप कोरियर के थ्रू, इसमें आपको पोर्टल पे जाकर, मोफा के पोर्टल पे जाकर अपना अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, बल्कि जस्ट सिंपली आप कोरियर सर्विस के ऑफिस जाते हैं और वहाँ से अपनी डिग्री को मोफा के ऑफिस भेज देते हैं। यह भी कोरियर सर्विस आपसे मिनिमम 500 to 600 रुपीज़ अमाउंट चार्ज करती है, और आप वापसी वहाँ से अटेस्टेशन के बाद आपके एड्रेस पर आपको डिग्री वापस मिल जाती है। मोफा से अटेस्टेशन का जो प्रोसीजर है वो भी तकरीबन 10 से 12 15 दिन में आपको लेता है, और डिग्री आपके दिए गए एड्रेस पर आपको वापस मिल जाती है। थर्ड स्टेप, जहाँ जिस कंट्री आपने जाना है जॉब के लिए, जहाँ से आपको जॉब ऑफर हो रही है या जिस कंट्री आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंट्री की एम्बेसी से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना होता है। और आप आजकल कोविड की वजह से बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं वहाँ, उन्होंने भी यही तरीका कर अपनाया हुआ है कि वो इन पर्सन वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ऑनलाइन ही कोरियर सर्विस के थ्रू अपनी डिग्री को भेजना पड़ता है और वेरीफाई करवाना पड़ता है। और ये भी तकरीबन 8 से 10 दिन का प्रोसीजर है, और आप जो भी जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ की एम्बेसी से आपको अपनी डिग्री को वेरीफाई करके अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। अगर आप एम्बेसी से नहीं करवाना चाह रहे हैं तो उस कंट्री के बहुत किसी भी कॉन्सुलेट से करवा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के जो कॉन्सुलेट्स हैं वो कराची और लाहौर वगैरह में मौजूद हैं, मोस्टली कराची में मौजूद हैं। अगर कॉन्सुलेट नहीं है तो फिर आपको इस्लामाबाद उस कंट्री की एम्बेसी से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना पड़ता है। ये 3 स्टेप्स के बाद आप जिस कंट्री जा रहे हैं वहाँ पे, अगर तो बहुत सारे कंट्रीज़ का वीज़ा इशूज़ के 2 तरीके हैं मेनली। एक तरीका क्या है कि आपको इन पर्सन वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है वीज़ा के लिए, वर्क परमिट और वीज़ा के लिए। सेकंड, आपके जो तरीका क्या है कि कुछ कंट्रीज़ आप जब ये वेरीफिकेशन करवा के भेज देते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ से आपको वीज़ा, वर्क परमिट और वीज़ा भेज देते हैं, और आप जस्ट टिकट लेते हैं और उस कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन जो मैं प्रोसीजर डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको इन पर्सन उस कंट्री में जाना है पहले विज़िट वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे या बिजनेस वीज़े पे, और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे वर्क परमिट इशू होगा जब आप इन पर्सन मौजूद होंगे आपके इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, और आपके जो वर्क वीज़ा इशू होगा। सो मैं इस प्रोसीजर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब ये आप 3 प्रोसीजर्स कर लेंगे, जब रिक्वायर्ड मिनिस्टर जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है उस कंट्री की, वहाँ से आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आप बिज़नेस वीज़े पे जो भी कंपनी आपको वीज़ा ऑफ़र कर रही है या फर्म आपको वीज़ा ऑफ़र कर रही है उस कंट्री के बिज़नेस वीज़े पे या विजिट या टूरिस्ट वीज़े पे जाएंगे 25 या 30 दिन के लिए, और उस दौरान में वहाँ पे जाके आपको ये डिग्री और कुछ कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी बेस पे आपका वर्क परमिट बन जाएगा, और वर्क परमिट बनने के बाद आपको जो आपकी कंसर्न वहाँ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से भी आपने इन डॉक्यूमेंट्स को, अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट को, लास्ट डिग्री को वेरीफाई करवाना है। और उसके बाद फिर उस कंट्री में जो उस कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होगी वो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, और उसके बाद आपका वर्क परमिट बनेगा, और उसके बाद वर्क परमिट की बेस के ऊपर आपका जो जितने भी साल का वीज़ा है, 1 ईयर या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स जो डिपेंड अपॉन द कंट्री, वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इस तरह आप ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बताया है जो कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जॉब ऑफर टिल द वीज़ा ऑफ दैट कंट्री, ये स्टेप्स हैं जहाँ से आपको गुजरना पड़ता है। और ये स्टेप्स हैं कि अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको अपनी जो डिग्री है, ये मैंने डिग्री की बात की है कि अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको ये डिग्री को HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान कंसर्न एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री, उसके बाद बिजनेस वीज़ा या विजिट वीज़ा ऑफ दैट कंट्री, और उसके बाद देन फिर पाकिस्तानी एम्बेसी इन दैट कंट्री एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ
दैट कंसर्न कंट्री एंड देन द वर्क परमिट एंड देन द वीज़ा ऑफ द दैट कंट्री डिपेंड अपॉन दैट कंट्री। ये आपके जो मैंने बताया है कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा के आप ये यहाँ तक पहुँचते हैं, कंसर्न वीज़ा आपको मिल जाता है। अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, वाइफ और किड्स के साथ, उसके साथ भी थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। जस्ट आपको जो फैमिली आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है और आप बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको सिर्फ एच ई सी से वेरीफाई नहीं करवाना, बल्कि बाकी सारे जितने ही मैंने स्टेप्स बताए यहाँ से गुजार के उनको वेरीफाई करवाना होता है। कि वो जस्ट सिर्फ एच ई सी से वेरीफाई नहीं होंगे, बल्कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान और कंसर्न एम्बेसी या कॉन्सुलेट वेरीफाई करेगा। उसके बाद जब आप उस कंट्री में चले जाएंगे, वहाँ पे जिस तरह मैंने बताया पाकिस्तानी एम्बेसी वेरीफाई करेगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ दैट कंट्री वेरीफाई करेगा उस डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट और बेबी बर्थ सर्टिफिकेट को। और उसके बाद फिर आपको आपकी फैमिली को भी वीज़ा, आपकी आपके वर्क परमिट की बेस पे आपकी फैमिली को भी वीज़ा मिल जाएगा। सो आज मैंने ये स्टेप जो बताया है, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को हेल्प आउट करेगा जो करंट सिनेरियो में किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह जा सकते हैं, डिग्रीज़ को कहाँ कहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कोविड सिनेरियो में क्या चेंज हुआ, किस तरह है। तो मैं क्योंकि रिसेंटली मूव हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के लिए ये वीडियो हेल्प आउट होगी, जो कि विलिंग टू मूव आउट टू अब्रॉड, वो लोग जो कि पाकिस्तानी जो कि बाहर मूव करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये एक हेल्प आउट साबित होगी। क्योंकि बिकॉज ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक ही वीडियो में बताई है, ये मुझे भी काफ़ी अपने दोस्तों से, लोगों से कलेक्शन करनी पड़ी पार्ट्स एंड बिट्स में, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। सो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपको अगर बाहर अब्रॉड किसी भी कंट्री में जाना है, थोड़ा स्मॉल प्रोसीजर्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है जो मैंने बताया है, लेकिन ओवरऑल जो 99% प्रोसीजर है वो यही है। अगर आपको की कोई क्वायरी हो, अगर किसी ने कुछ पूछना हो, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी हो। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप सब लोगों को हेल्प आउट हो सके कि आप किस तरह अब्रॉड मूव कर सकते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री की बेसिस पे। सेकंड प्रोसीजर का भी थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि उसमें जिसमें आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बेस पे नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की बेस पे अगर आप बाहर जाते हैं, तो वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है। उसमें आपको अपने सारे जहाँ जहाँ पर भी आपने जॉब एक्सपीरियंस किया है, सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को कंसर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेरीफाई करवाना पड़ता है, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। सो ये सेकंड प्रोसीजर है, और मैंने जो आज प्रोसीजर डिस्कस किया है वो एजुकेशन डिग्री की बेस पे आप कैसे बाहर जा सकते हैं ये डिस्क्राइब किया है। सो वीडियो बनाने का मकसद आप सब लोगों की हेल्प आउट करना है, आप सब लोगों को अवेयरनेस देना है, और ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आप ये सारा जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, तकरीबन वेरिफिकेशन का वो तकरीबन वन मंथ है अराउंड, उसके बाद फिर आप अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई करवाने के बाद आप बाहर मूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।